99 हर खबर पर हमारी नजर। मौलाना समी उल हक के साथ मौजूद उनके दो मुलाजमीन का इब्तदाई बयान रिकॉर्ड कर लिया गया है। मुलाजमीन का कहना है कि मौलाना से दो अफराद मिलने आए जो उनके जानने वाले थे। ये दोनों अफराद इससे कबल भी मौलाना समी उल हक से मिलने आते रहते थे। दोनों अफराद ने मौलाना से अकेले में बात करने की दरख्वास्त की थी और ये दो मुलाजमीन जिनका ये कहना है फखरुद्दीन सैयद हमारे साथ मौजूद है। फखरुद्दीन, जिस तरह से उन्होंने बताया है कि वो पहले भी मिलने आते थे, गोया वो उनको अच्छी तरह से पहचान सकते हैं। जी बिल्कुल, देखिए ऐसा है कि जो मौलाना शहीद मौलाना समी उल हक की जो इब्तदाई रिपोर्ट तैयार की गई है उसमें जो मुलाजमीन से भी जो स्टेटमेंट लिया गया है उसमें रिकॉर्ड में उन्होंने मुलाजमीन ने कहा कि उनको अक्सर ये लोग आते थे उनके पास और इस दौरान जब वो आए उनसे बातचीत कर रहे थे तो उनको कहा गया कि अब कुछ देर से बाहर चले जाए, हमें इनसे बात करनी है। इस दौरान जब ये वकूआ हुआ तो उसके बाद ये दोनों ही मुलाजमीन जो थे बाहर थे और जब इनका इब्तदाई रिपोर्ट तैयार हुई तो उसमें यह भी रिकॉर्ड किया गया है कि मौलाना समी उल हक ने जिस वक्त जख्मी हालत में थे तो खुद रेस्क्यू को उन्होंने फोन किया था और उसके बाद एम्बुलेंस जो आई थी और एम्बुलेंस के उन्होंने जो यहाँ पे जो रेस्क्यू वाले थे उनको फौरी तौर पर उन्होंने इत्तला भी दी कि फलाने फलाने जो बंदे हैं उन्होंने उन पर वो हमला किया है, जख्मी है। तो हमने तमाम चीजें जो रिकॉर्ड कर ली गई है। रेस्क्यू जो एम्बुलेंस जो इनको लेने के लिए आई थी उनके मुलाजमीन को भी इस वक्त जो उनसे भी बातचीत जा रही है और उनसे तमाम हकाए जा रहे हैं। लेकिन जो मौलाना समी उल हक के हवाले से जो बात आ रही है कि पुलिस ने जो बयान दिया है तो उसमें ये बात आ गई कि मौलाना समी उल हक साहब जो शरीर जख्मी हालत में थे उन्होंने खुद फोन किया था रेस्क्यू को और उन्होंने तमाम जो दोनों अफराद थे इनके हवाले से उन्होंने निशानदाही कर दी है। सब्सक्राइब नाउ एंड प्रेस द बेल आइकन, नेवर मिस एन अपडेट।